भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी के बेटी के ऊपर जो गाना गाया गया है और जिस प्रकार से उस मासूम बच्ची को प्रताड़ित करने का जो कार्य किया गया है, यादव समाज को अपमानित करने का जो कार्य किया गया है, मैं इसी मुद्दे पे बात कर रहा हूं। और आज एक ऐसा वक्त आ गया है जब हमारे कुल खानदान की बेटियों को अपमानित कर रहा है, लगातार चीरहरण कर रहा है, और उस बेटी के पिता लड़ने के बजाय आंख से आंसू निकालते हैं। वाह रे दुनिया, ये आंसू कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव जी को याद दिला रही है। याद तो दिलाती होगी खेसारी लाल यादव जी को कि खेसारी जी, आप जिस प्रकार से अपनों से अलग हो करके गैरों के दामन को पकड़ लिए हैं, गैरों के गोद में जाकर के बैठ गए हैं, ये गैर कभी अपने नहीं हो सकते। जब तक आपके पास पैसे हैं तभी तक पूछेंगे कि खेसारी जी आप कैसे हैं, है ना। आपके पास रुतबा है तभी तक इन चाटुकारों का आपके आसपास आबोहवा है, वरना इसको क्या मतलब है जी। ये कब का, इसका इतिहास देखिए ना। आप जिसको अपना मैनेजर बनाए हैं उसका इतिहास उलट करके देखिए ना। जिस कुल खानदान से आता है वो कब यादवों का हुआ है जी, याद कीजिए ना। पृथ्वीराज चौहान और अल्हा रुदल का जंग भूल गए क्या? खेसारी लाल यादव जी अगर आप पढ़े नहीं हैं तो कम से कम समाज में जो शिक्षित लोग हैं उनके बीच तो कम से कम रहिए। लेकिन आपको तो लगता है कि समाज में शिक्षित लोगों के पास हम रहेंगे, स्टारडम शायद गिर जाएगा, यादव समाज के लोग हमको स्टार नहीं मानेंगे। हम जिस कुल खानदान से बिलोंग करते हैं, आप जिस कुल खानदान से बिलोंग करते हैं, यह यदुवंश है, और यदुवंशियों के नजर में उनके बेटियों उनकी बहनों का क्या इज्जत होता है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आपकी बेटी की मान मर्यादा को तार तार किया गया क्या मनोज तिवारी जी ये चीज नहीं देख रहे हैं? पूरे देश में आपके रोते हुए वीडियो को प्रसारित किया जा रहा है, क्या इससे यादव समाज का मान सम्मान नहीं घट रहा है? मैं पूछता हूं खेसारी लाल यादव जी से, क्या यादव की पहचान यही है कि संकट आ जाए तो रोना शुरू कर दे? यादव की पहचान होती है कि संकट आ जाए ना, जब कोई चैलेंज कर दे तो चढ़ करके दबोच करके सीधा निगल जाना, ये यादवों का काम होता है। यादवों का काम किसी बेटी बहू के अपमानित करने के बाद आंसू बहाना नहीं होता। किस शास्त्र में आप देखे हैं कि बेटी बहू के अपमानित करने के बाद कौन हमारे कुल खानदान में कौन आंसू बहाया करते थे जिनसे आप सीख लिए?